इंदौर विकास प्राधिकरण यानी कि आईडीए के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा शहर के विकास को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जहां चावड़ा ने स्कीम नंबर 155 के आवासीय परिसर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने स्कीम नंबर 155 के आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। यहां सभी वर्गों के लिए प्राधिकरण की ओर से फ्लैट बनाए गए, जिनका लाभ लॉटरी के माध्यम से आईडीए जनता को दे रहा है। वहीं निरीक्षण के दौरान चावड़ा ने रहवासियों की सुविधा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और आईडीए अधिकारी मौजूद रहे। हम हमारे प्राधिकरण के सारे अधिकारी और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और हमारे वरिष्ठ नेता सुदर्शन जी, साथ में पार्षद और संगठन के सभी लोग अभी पूरा परिसर घूम करके देखा है। कुछ बातें ध्यान में आई है और अतिशीघ्र उसको ठीक करके और यहाँ क्या क्या सुविधा और दी जा सकती है सबके साथ बैठ करके उसको जल्दी से ठीक करेंगे, ताकि ये पूरी जो प्रॉपर्टी है इसका लाभ इंदौर महानगर के सब लोगों को मिल सके। कुछ बातें उन्होंने बताई है तो उन बातों को लेकर के यहाँ अधिकारी को कहा है और दो चार दिन में ही उसका पूरा एक बार वो निरीक्षण करके उसमें जल्दी से ठीक कराने का उसको कहा गया, जल्दी से ठीक करा देंगे उसको। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि रहवासियों से मिले इनपुट के बाद अब कितनी जल्द आईडीए आवासीय परिसर की सुविधाओं को दुरुस्त कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।